खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से है, जहां श्रावस्ती के घिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत भौसाई गांव के तिकोनी मोड़ के पास सरयू नहर में एक 14 से 15 साल की लगभग की लड़की का शव नहर में तैरता हुआ जब ग्रामीणों ने देखा, उसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत गिलोला पुलिस को सूचना दी है। मौके पर गिलोला पुलिस पहुंची है, लाश को निकालने का प्रयास कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां पर गिलोला पुलिस पहुंच चुकी है, गिलोला के थाना अध्यक्ष पहुँच चुके हैं मौके पर, वही लाश निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि किस तरीके से बहती हुई सरयू नहर से लाश को निकाला जाए। फिलहाल अभी लाश के बारे में कोई घटना या जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, जैसे ही कुछ अलग तरीके से हम लोगों को जानकारी मिलती है या ये लड़की कहाँ की रहने वाली है, इसका वेशभूषा कैसा है, जब इसको बाहर निकाला जाएगा, हम तुरंत आपको खबर के माध्यम से अपडेट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए गिलोला श्रावस्ती न्यूज। तो एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से है, जहाँ पर सरयू नहर में एक 14 से 15 साल के लगभग की एक लड़की का लाश सरयू नहर में तैरता हुआ देखा गया है। जहाँ पर आपको बता दें कि ये पूरा मामला भौसाई गांव के तिकोनी मोड़ के पास की है। वही आपको बता दें कि कुछ दूरी के बगल में सोनवा थाना लगता है और कुछ ही दूरी के बगल में गिलौला थाना लगता है, दोनों थाने के बॉर्डर के पास है। हालांकि ये जो घटना है और जो लाश देखी गई है गिलौला थाना क्षेत्र में देखी गई है, अभी यहां पर गिलौला पुलिस पहुँच चुकी है और लाश निकालने का पूरा प्रयास कर रही है।